की तारीख है 1 मार्च 2020 और डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में हम डेली के द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द US तालिबान पीस डील कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ए फुल विदड्रॉल ऑफ फॉरेन सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान ओवर द नेक्स्ट 14 मंथ्स एंड रिप्रेजेंट्स ए स्टेप टुवार्ड्स एंडिंग द 18-ईयर वॉर इन अफगानिस्तान। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द डील वॉज साइंड इन द कतरी कैपिटल, कतर की कैपिटल दोहा में। तो जो डील साइन हुआ है वो कतर के कैपिटल दोहा में साइन हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट है कि पूरी तरह से जो फॉरेन सोल्जर्स हैं वो विड्रॉल कर लेंगे 14 महीने के अंदर में। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, दोनों आंसर करेक्ट है इसमें। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी, जो डील साइन हुई है उसमें ये बात हुई है कि अफगानिस्तान के जो भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तालिबान का प्रेजेंस है, वहाँ से जो भी फॉरेन के सोल्जर्स हैं वो वहाँ से 14 महीने का अंतराल में इनको हटा लिए जाएंगे। तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। इसका ये डील साइन हुआ है कतर के कैपिटल दोहा में, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। इसका सोर्स है द हिंदू के पेज 1 से आया हुआ है, 1 मार्च के द हिंदू के पेज 1 से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, द NHRC इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड बाई द एक्ट एज राइट रिलेटिंग टू लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह स्टैचूरी बॉडी है। ठीक है, तो इसको 1993 में बनाया गया था, 1993 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। ये एक्ट डिफाइन किया गया था राइट टू रिलेटिंग टू लाइफ, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन गलत है। तो इसमें आंसर होगा ओनली 2 ओनली। ठीक है, तो बी आंसर होगा। इसका अभी सोर्स क्या है, द हिंदू के पेज 1 से आया। ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो दिल्ली में रायट्स हुए हैं तो उसमें क्या किया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी दो कमेटी स्थापित की है, दो कमेटी बनाई है इस राइट्स को एनालाइज करने के लिए और उस पर अपना डायरेक्शन देने के लिए। और देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केवल एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एडवाइजरी बॉडी होती है केवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज नॉट अंडर द बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अभी देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का अभी उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बनाने के लिए अभी आधारशिला रखा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंडर में नहीं आएगा, मतलब उसके थ्रू, उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं पास होगा। तो पहला है बांदा, दूसरा है महोबा, तीसरा है हमीरपुर और चौथा है जालौन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा महोबा। ठीक है, महोबा के थ्रू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पास नहीं होगा। ठीक है, तो महोबा के थ्रू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पास नहीं होगा। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बांदा, हमीरपुर और जालौन के से पास होगा। तो ये आंसर है इसका, आंसर बी। ठीक है, आइए थोड़ा मैप पे इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ चित्रकूट से शुरू होगा,
चित्रकूट से शुरू होगा और ये बांदा बांदा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हमीरपुर, फिर हमीरपुर से होते हुए जालौन, और जालौन से होते हुए औरैया, औरैया से होते हुए इटावा में आके ये यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। तो कभी कभी यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ है, आपको नाम दे देगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या कौन सा नहीं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं पास होता हुआ है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, कोलिस्टीन इज द लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो कोस्टिलिन होता है वो हाईली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से के को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोलिस्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वर फाउंड टू बी वाइडली प्रेजेंट इन पोल्ट्री एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो जो कोलिस्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो अभी पाया गया है पोल्ट्री और रॉ वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, आंसर क्या होगा इसका? देखिए, कोस्टलिन का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ये तो सही है। ठीक है, कोस्टलिन का यूज किया जाता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए। और कोस्टलिन को जो का जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो अभी पाया गया है पोल्ट्री में और वेजिटेबल में। अभी एक रिसर्च हुआ, इंडियन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, उसमें ये पाया गया है कि पोल्ट्री रेस्ट जो कोलिस्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो पोल्ट्री और वेजिटेबल्स में पाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर करेक्ट हैं, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी। कोलिस्टीन का यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और कोलिस्टीन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया गया है पोल्ट्री और वेजिटेबल्स में, रॉ वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो इसका सोर्स है द हिंदू के पेज 15 से। ठीक है, 1 मार्च के द हिंदू से पेज 15 से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, आराकू फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाई विच गवर्नमेंट। आराकू फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? ठीक है, तो कभी कभी आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तमिलनाडु गवर्नमेंट, और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना गवर्नमेंट। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी आराकू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और इसको इंटरनेशनली फेम देने के लिए इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बैलून के थ्रू इसको मतलब थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए इस फेस्टिवल को बैलून के थ्रू बैलून का यूज किया गया है अभी इस फेस्टिवल में। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में। चलिए अगला देखते हैं क्या, हु डिड फाउंड द अजमेर शरीफ दरगाह। कौन फाउंड किया था अजमेर शरीफ दरगाह को, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है सैयद जैनुल आबदीन, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, और चौथा ऑप्शन है बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने फाउंड किया था अजमेर शरीफ दरगाह को। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी यहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला अजमेर शरीफ दरगाह पे, तो उसमें क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो सिटीजन है उनको वीज़ा प्रोवाइड किया है, कुछ पाकिस्तानी सिटीजन उनको वीज़ा प्रोवाइड किया है यहाँ आने के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो अजमेर शरीफ दरगाह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फाउंड किया था। अच्छा, ये निजामुद्दीन औलिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इन्होंने ही बोला था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, ये इन्होंने ही ये बात बोली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन,
चलिए आ गए हम स्टैटिक पार्ट पे। हमने आज 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन था यूएस तालिबान पीस डील से रिलेटेड, ठीक है, कहाँ पे हुआ है और इसमें क्या इस डील में बोला गया है उसको हमने डिस्कस किया। दूसरा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचूटरी बॉडी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो बॉडी होती है दो टाइप की होती है एक्चुअली, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो ऑलरेडी मेंशनड होता है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया जाता है, उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी दो टाइप होता है, एक होता है स्टैच्यूरी बॉडी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो स्टैच्यूरी बॉडी तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे प्रेसिडेंट ने कोई अगर एक्ट बनाया तो उसके लिए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिस्कस किए थे और हमने कोलेस्टीन के बारे में डिस्कस किया था, ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और आराकू फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाई विच गवर्नमेंट, ये हमने आर्ट एंड कल्चर में ये पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज किया है अभी। और हु फाउंड द अजमेर शरीफ, हु डिड फाउंड द अजमेर शरीफ दरगाह, तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक पार्ट पे। स्टैटिक पार्ट मतलब ये होता है कि जो चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, मतलब करंट अफेयर्स नहीं होता है। दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और स्टैटिक पार्ट जो चेंज नहीं होता उसको। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप अपने किसी सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से आप इसको पढ़ लिया कीजिए। तो पेज 1 से क्या आप पढ़ेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। पेज 2 से यूएस तालिबान पीस डील। पेज 4 से, सॉरी पेज 1 से ही यूएस तालिबान पीस डील। पेज 4 से वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये जियोग्राफी का पार्ट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट जो बॉडीज़ होती हैं उसका पार्ट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इससे भी। सूफीज़म हिस्ट्री से पेज 5 पे। पेज 8 पे चीता इंडिया, ये इन्वायरमेंट से। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इकोनॉमी से। पेज 9 पे आप सिटीजनशिप्स कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, सिटीजनशिप पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, और सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी इन्वायरमेंट से, ये ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। पेज 10 से एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ये भी हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, ये भी न्यूज़ में है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। गवर्नर, ये भी हमें पढ़ना है, पॉलिटी से रिलेटेड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया आज का न्यूज़पेपर, यानी 1 मार्च 2020 का न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये सारे जो भी स्टैटिक पार्ट मैंने आपको अभी बताया पेज 1 से लेके पेज 10 तक, इसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड दिस स्टैटिक पार्ट्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस, ठीक है। और आज हमें मैप पे क्या देखना है, मैप पे आप देखेंगे अफगानिस्तान को, ठीक है। अफगानिस्तान का जो भी पॉलिटिकल मैप है उसको उठाएंगे, किस किस कंट्री से बॉर्डर बनाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्लेसेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर हैं, उसको देखेंगे, ठीक है, मैप पे। तो चलिए आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, मैं PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।